राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश करें, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी की। अब आगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापा कुंसा एकादशी की। एकादशी वाले दिन, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सुबह उठें, नहा धोकर भगवान विष्णु की को भी नहलाएं धुलाएं और पूजा अर्चना विधि विधान से करें। और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उनको तुलसी ज़रूर से अर्पण करें और फलाहार का भोग लगाएं। और फिर उसके बाद एकादशी की कथा सुनें। चलिए, हम आज आपको सुनाते हैं पापा कुंसा एकादशी शुक्ल पक्ष की। अर्जुन बोले, हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब कृपा कर पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष का एकादशी का नाम पापा कुंसा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। हजार अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है। अंत में वे स्वर्ग को अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंसा एकादशी के विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं, उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। व्यक्ति को चाहिए कि वे पापों से बचने का दृढ़ संकल्प लें। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों को नाश कर देता है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस एकादशी की कथा सुनें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी साथ में करें। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।